हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं, जिसमें कि पहली सिचुएशन है कि हमको किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाना है और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हमको न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाते हैं, पर इससे पहले ये समझते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हैं। इसको जानने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये हमको दिखाता है कि अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हैं। जैसे अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो इसका मतलब है कि अभी हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर हैं। फाइनेंशियल ईयर कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। अब समझते हैं कि कैसे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर आते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन है चेंज फाइनेंशियल ईयर, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर शो हो रहा है न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2022, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर लिखा है यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, मतलब हम एक न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी पुराना हमारा लेजर बैलेंस है प्लस आइटम बैलेंस है, सारे बैलेंस हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉरवर्ड होंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। डेटा हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉरवर्ड होने लगेगा। डेटा हमारा फॉरवर्ड होने में कितना टाइम लगाता है, ये हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है तो ये फॉरवर्ड होने में टाइम लगाएगा, वहीं अगर हमारा डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ मिनट ही लगेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 से चेंज होकर 22-23 के अंदर आ गया है। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये साल के अंदर एक ही बार आएगी। न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारा हर साल 1 अप्रैल को ही बनेगा। वहीं जो हमारी दूसरी सिचुएशन है कि हमको किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाना है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाने के लिए हमारे पास कुछ भी रीजन हो सकता है। हमको किसी बिल का प्रिंटआउट निकालना है या किसी बिल के अंदर कुछ चेंज करना है, रीजन कुछ भी हो सकता है। बट जब हम पीछे जाकर किसी भी एंट्री के अंदर या किसी बिल के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, तो एक काम हमको जरूर करना पड़ेगा। वो काम क्या है उसको समझते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि कैसे हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, चेंज फाइनेंशियल ईयर, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2021। अभी हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर हैं, हमको 21-22 के अंदर जाना है। इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डू यू वांट टू स्विच, यस के ऊपर क्लिक करेंगे। वापस से डायलॉग बॉक्स शो होगा फाइनेंशियल ईयर सक्सेसफुली चेंज्ड, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है F11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो चुका है, हम वापस से 21-22 के अंदर आ चुके हैं। अब जैसे हमने अपनी एंट्रीज के अंदर चेंजेस कर दिए हैं और हम वापस फाइनेंशियल ईयर चेंज कर आगे जाना चाहते हैं, तो हम वापस यहीं पर आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2022, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसके अंदर लिखा है आर यू गोइंग टू चेंज फाइनेंशियल ईयर, साथ ही साथ इसके अंदर लिखा है डू यू वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस। तो इसका मतलब है कि हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं और जो हमने एंट्री के अंदर चेंजेस किए हैं, चेंजेस करने से क्या हुआ होगा कि हमारा वाउचर का अमाउंट चेंज हो गया होगा, या हमारा कोई सेल या परचेज का बिल था उसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं, तो उसके अंदर हमारी आइटम की क्वांटिटी प्लस उसका अमाउंट दोनों ही चेंज हो गए होंगे। तो ऐसे में हम बैलेंसेस भी फॉरवर्ड करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर
न्यू एंड चेंज मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।